दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ रिव्यू एक एप्लीकेशन का जिसका नाम है क्रिक बस। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में पता होगा, लेकिन दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, मैंने इस एप्लीकेशन को खुद यूज़ कराया पर्सनली, इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर इसका ये रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप देख सकते हैं क्रिकेट मैच के लाइव स्कोर्स, और दोस्तों आप बहुत सारी डिटेल्स देख सकते हैं क्रिकेट मैच के बारे में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है लाइव स्कोर्स देखने के लिए क्रिकेट मैच की, और काफ़ी ज़्यादा और भी आपको इससे डिटेल्स मिल जाती है क्रिकेट मैच के बारे में। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से मैं आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या फ़ीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और कैसी ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये है वो एप्लीकेशन क्रिक बस, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो दोस्तों चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका होम पेज मिल जाएगा, और होम पेज में आपको जो लाइव मैच चल रहा होगा उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि अभी बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच चल रहा है लाइव। तो दोस्तों यहाँ पर आपको शो हो रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच, और यहाँ पर आपको उनके रन्स और विकेट वगैरह भी शो हो रहे हैं। और दोस्तों सबसे ऊपर आपको यहाँ पर होम पेज के अंदर जो है लाइव मैच चल रहा होता है उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं, और थोड़ा नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिकेट मैच के बारे में वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि दोस्तों क्रिकेट मैच हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं उनके ऊपर जो भी वीडियोस हैं दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएगी क्रिकेट मैच के बारे में, जो कि मैच दोस्तों हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, और उन सभी मैचेस के बारे में आपको यहाँ पर काफ़ी सारा न्यूज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आप इसके होम पेज से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, और लाइव स्कोर्स आप इसके होम पेज से देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से आप मैचेस का शेड्यूल भी देख सकते हैं, कब कौन से दिन में कौन सा मैच है। यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक करके, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैचेस की सारी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है नीचे होम के बगल में मैचेस, तो जब आप मैचेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी मैचेस के बारे में कि कब कौन से दिन कौन सा मैच है और किस टीम के बीच में मैचेस हैं। अभी जो है बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच चल रहा है तो यहाँ पर वो सबसे ऊपर शो कर रहा है फर्स्ट मैच। और दोस्तों जैसे कि आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर और भी मैच शो करेगा जो कि लाइव मैच चल रहे हैं। और दोस्तों ऊपर जब आप अपकमिंग पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर वो मैच आपको शो करेगा जो कि दोस्तों आने वाले हैं और अभी नहीं हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में सेकंड ODI मैच होने वाला है 4 तारीख को, तो दोस्तों वो यहाँ पर शो कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप बेल आइकन पर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों जब आप इसके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो 4 तारीख को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैच स्टार्ट होगा जब। और दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन में नीचे आएंगे तो और भी आपको मैचेस की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप सारे मैचेस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कब कौन से दिन कौन सा मैच होने वाला है। और दोस्तों ऊपर आप थर्ड ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे रीसेंट पर, तो यहाँ पर आपको वो मैचेस दिखाएगा ये जो कि अभी हाल ही में होकर चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जैसा कि कल मैच हुआ था, तो यहाँ पर उसकी डिटेल सबसे ऊपर शो हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर विकेट और रन्स वगैरह सब कुछ शो हो रहा है, और ओवर भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर नीचे करते जाएंगे तो आपको और भी मैचेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी जो कि हो चुके हैं। और दोस्तों नीचे जब आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि है न्यूज़ का, तो यहाँ पर आपको मैचेस के बारे में न्यूज़ मिल जाएगी जो कि सारे मैचेस हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, उन सभी मैचेस के बारे में आपको सारी न्यूज़ यहाँ पर मिल जाएगी। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये न्यूज़ है, तो यहाँ से आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, यहाँ ऊपर से आप कैटेगरीज और टॉपिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं न्यूज़ के ऊपर। और दोस्तों फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाता है वीडियोज़ का, तो दोस्तों जब आप वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे तो जो मैच हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं उन सभी के ऊपर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और आप यहीं से इन वीडियोस को देख सकते हैं। और ये वीडियोस दोस्तों आपको हर कहीं नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पर वीडियोस भी देख सकते हैं मैचेस के ऊपर। दोस्तों आप ऊपर से कैटेगरीज और प्लेलिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस ऐप को पर्सनली यूज़ कराया और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन मुझे ये लगी है, यानी कि दोस्तों मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन मुझे लगी है लाइव स्कोर्स देखने के लिए और मैचेस की इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। तो दोस्तों आप भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं क्रिकेट मैच के लाइव स्कोर देखने के लिए और क्रिकेट मैच की डिटेल्स को देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।